सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले को लेकर देश में जगह जगह विरोध जताया जा रहा है। वहीं हापुड़ में भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य के हुड ने पीएम मोदी को अपने खून से पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक और कहा जाता है कि हम दुनिया की 6वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है, हम पूरी दुनिया की 4थे नंबर की सैन्य और सामरिक शक्ति है। कई सारी चीजों में, इस्पात हो, कोयला हो, दुग्ध उत्पादन हो, पुष्प उत्पादन हो, हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं। लेकिन जो हमसे आगे खड़े हुए देश हैं, हम उन देशों की तरफ देखें कि यदि किसी व्यक्ति ने, किसी संगठन ने कभी उन पर हमला जरा सा भी किया तो उन्होंने उनके घर में घुसकर, उनकी मांग में घुसकर उनको जड़ मूल से नाश किया है। हम दुनिया का विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम लोगों को आगे बढ़ना है और एक नंबर बनना, स्थान हासिल करना है, तो कम से कम पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सरपरस्ती में पनपने वाले आतंक और आतंकी आकाओं को जब तक इनका जड़मूल से नाश नहीं करेंगे तो देश अपने शौर्य और अपने उस वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता। आज समय की मांग है, इस देश के शहीदों को वास्तव में सम्मान मिलना चाहिए और इस सम्मान और श्रद्धांजलि केवल रस्मी नहीं होनी चाहिए बल्कि जैसी श्रद्धांजलि जिंदा राष्ट्र को देनी चाहिए उस तरह की श्रद्धांजलि सरकार को देनी।